भैया के खास हुआ करते थे, राजा भैया के दम पे आज बने हैं, नहीं कभी अपने दम पे एक चेयरमैन ही नहीं जीत सकते थे। आज जो विधायक का ख्वाब देख रहे हैं, राजा भैया एक बैनर लगा के चेयरमैन ही जीतते थे, इस बार वो दूसरे एक बैनर लगाए हैं, इस बार औकात पता चल जाएगी। जमानत और एक संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है और आने वाले समय में 2027 में आज जिस तरीके की जो 30 साल 32 साल की 97 की पार्टी रजिस्टर्ड है उनसे बड़ा ग्राफ के लोग और जिनके दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है बता रहे हैं कि यादव समाज उनके साथ में है 99%, हम तो कहेंगे 100% यादव समाज माननीय राजा भैया जी के साथ है। क्योंकि लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोगों को अपना 1.5 लाख पार करना है और कुंडा बाबागंज से जनसत्ता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी और जो दूसरे प्रत्याशी है नारा जो है इस बार बिल्कुल सफल होगा। यहाँ पे कुंडा में जीत हार की लड़ाई नहीं होती, यहाँ पे केवल मार्जिन की लड़ाई होती है कि हमको अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है, मार्जिन की लड़ाई होती है। पिछली बार हम लोग 1,04,000 समथिंग वोट से जीते थे, इस बार भी हम लोग व्यक्तिगत कोई परेशानी होती है तो वहाँ राजा भैया से हेल्प मिलती है। अन्य नेताओं के जहाँ पीछे पीछे भागना पड़ता है, यहाँ राजा भैया के पास केवल उनके महल में दरबार लगता है, ये तो आप लोग जानते हैं। जहाँ पर नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों, कुंडा विधानसभा में इस समय हम खड़े हैं, कुंडा विधानसभा में क्या होगा? इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं और दूसरी तरफ जनसत्ता की तरफ से अब की बार 1.5 लाख पार का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, आखिर 1.5 लाख पार कैसे होगा? कुंडा में खड़े हैं, तिलौरी चौराहा है और चौराहे पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है कुंडा में इस बार किसको देखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल आरी का 1.5 लाख पार करेगी और गुलशन यादव जो है यहाँ से लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में जीतने का दावा कर रहे हैं और उनके बयान भी निकल के आ रहे हैं, और इस बार जो है वो कैसी देखती है जनता, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जी आपको क्या नाम है भैया पहले? आप तो अमित श्रीवास्तव। क्या लग रहा है कि इस बार जो 1.5 लाख का पार दिया जा रहा है और कुंडा में क्या देखते हैं, 30 साल हो गए हैं, अब क्या फिर से राजा भैया और 1.5 लाख पार होगा या फिर बदला होगा? जी बिल्कुल, 1.5 लाख पार होगा। राजा भैया यहाँ के अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण सदैव प्रतिवर्ष अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हर इलेक्शन में वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं, तो जनता की जो भी यहाँ पे जो लड़ाई है वो राजा भैया की खुद के अपने रिकॉर्ड से लड़ाई रहती है। अच्छा, यहाँ और किसी का कोई हमें नहीं लगता कि कोई वजूद है। तो यानी 1.5 लाख जो नारा है वो होगा पार? बिल्कुल होगा, बेशक होगा, कोई वो नहीं है। लेकिन विपक्ष जा रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतार दिए, सपाइयों का कहना है कि अभी तक राजा के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतरते थे इसलिए राजा भैया रिकॉर्ड तोड़ते थे, लेकिन आपकी गाड़ी फंसेगी। जी, राजा भैया का पहला चुनाव आपको याद हो वर्ष 1993 में हुआ था, जिसमें सपा बसपा का संयुक्त प्रत्याशी ताहिर हसन खान लड़े थे और जमानत जब्त हुई थी। उसके बाद भी 2-3 ऐसे विधानसभाएं रही है जिसमें राजा भैया के खिलाफ अन्य दलों ने मिलकर एक साझा प्रत्याशी उतारा है और सब में जो है उनकी जमानत जब्त हुई है। तो माननीय राजा भैया सदैव से विजयी रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इस बार भी पूरी तरीके से आरी चलेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आरी ही चलेगी। बाबागंज या कुंडा, क्योंकि अब जनसत्ता पार्टी बन गई, तो क्या लग रहा है बाबागंज और कुंडा से बाहर भी निकलेंगे या फिर 2 ही सीट रहेगी? नहीं, और भी जगहों पर जहां पर राजा भैया का पार्टी का प्रचार चल रहा है, जहां से उनके प्रत्याशी खड़े हैं, वो भी बहुत अच्छी निर्णायक स्थिति में हैं। अच्छा, कामकाज से आप लोग खुश हैं, कुंडा में 30 सालों से हैं, क्या लग रहा है कि क्यों टिके हुए हैं? कुछ अच्छाइयां जो पता होगी कि नहीं, इस वजह से हम राजा भैया को ही वोट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है राजा भैया की जनसुलभता, वो सबके सामने मौजूद हैं, कभी भी किसी को कोई दिक्कत होती है, व्यक्तिगत कोई परेशानी होती है तो वहाँ राजा भैया से हेल्प मिलती है। अन्य नेताओं के जहाँ पीछे पीछे भागना पड़ता है, यहाँ राजा भैया के पास केवल उनके महल में दरबार लगता है, ये तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पर जो है न्याय होता है, लंबित प्रक्रियाओं को बड़े ही सहजता से वहाँ पर निपटाया जाता है, किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, सर्व समाज का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, यदि पीड़ित है, शोषित है, प्रताड़ित है, तो उसके साथ न्याय होता है। और यही वजह है निर्धन कन्याओं की शादी के लिए जो है कैंप लगते हैं, नेत्र शिविर अपनाया जाता है, यहाँ बहुत कुछ चीज़ें हो रही है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप विकास दिखाई दे आपको चमकते हुए झाड़ फानूस हो, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी पब्लिक जो उनसे जुड़ाव है वो आत्मिक जुड़ाव है, आत्मिक जुड़ाव। युवा है, आप क्या देखते हैं, 30 सालों से राजा भैया है, बदलाव या फिर से राजा? देखिए, सबसे पहली तो एक बात है कि बदलाव जो होता है वो नेताओं का होता है, अभी कुछ दिन पहले राजा भैया ने कहा भी, परिवार के सदस्यों का बदलाव नहीं होता। एक और सबसे बड़ी बात समझने वाली यह है कि जब कोई प्रतिनिधि जीतता है तो उस प्रतिनिधि की जन सुलभता सबसे मायने रखती है। अगर हमें कोई समस्या हो जाए तो हम उनके पास जाएं, और ये कोई एक दिन का भी तो, चूंकि चुनाव है तो आप लगातार कवरेज पे हैं, आप मानिए कि हमारे जो नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है, वो लगातार 5 वर्षों से प्रतिदिन चुनाव लड़ता है, और आप मानिए कि हर दिन एप्लीकेशंस पहुंचते हैं, लोगों की मदद होती है, कितने लोग तो ऐसे हैं जो लगातार हॉस्पिटलाइज रहते हैं और राजा भैया उनकी मदद करते हैं।
कोई भी प्रकार की समस्या हो, आपके घर के अगर खूंटा चरही का भी विवाद होता है तो वो सर्व सुलभ तरीके से वहां पर निपट जाता है। तो जहां तक बात हुई बदलाव नेता का होता है, बदलाव किसी भी घर के सदस्य का नहीं होता, तो वो जो है अभिभावक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सारी समस्या निपटा दी जाती है, यहाँ अगर बात करें थानों की, अन्य विधानसभा की बात करें तो अन्य विधानसभा में काफी FIR होती हैं, थानों तक पहुंचते हैं मामले, यहाँ क्या थानों तक वो सारी चीज स्थिति होती है कि यहाँ पे ज्यादा FIR होती है, बवाल होता है, थानों तक मामले पहुंच पाते हैं? देखिए, अब ये ना कहा जाए कि नहीं पहुंच पाते एकदम से, लेकिन ये मान के चलिए कि जहां तक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि 100 में से 100 पहुंच रहे हैं, वहां पर मान के चलिए कि ज्यादातर चीजें 90% चीजें निपटा दी जाती हैं। 90%। और आप समझिए कि हमारे यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं एक केस में, और वो चीजें अगर आपसी एक सहचर से, आपसी एक सहमति से बदल दी जाए और वहीं पर निर्णय हो जाए, तो लोग पैसों से भी बचते हैं, समय भी उनका सुरक्षित होता है, और सबसे बड़ी बात एक जो स्वीकृति होती है। तो राजा भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर, आपकी अभी आपने प्रश्न किया कि सपा ने कैंडिडेट उतार दिया है, तो बड़ा अच्छा किया है, कम से कम उनकी भी एक जो भावना है, दुर्भावना कि उनके बिना नहीं हो पाएगा, वो भी दूर हो जाएगी इस बार। इसके पहले भी लोगों ने उतारा हुआ है कैंडिडेट और लोगों ने समझा है, तो इस बार अच्छा किया उन्होंने उतार दिया, और अब की बार उतारने के बाद उनको यह समझ में आ जाएगा कि उन्होंने, उनके मन में जो दुर्भावना थी कि हमें हमारी वजह से हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार उनको समझ में आ जाएगा। और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो तो पूरा हो ही रहा है, साथ में कहीं पर भी आप जाइए, आप देखिए कि राजा भैया का जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यशैली है, उससे सभी लोग प्रभावित हैं, और हर व्यक्ति जो है उनको अपना नेतृत्व मानता है, हर तबका, हर समाज के लोग नेतृत्व मानते हैं। जी बिल्कुल मानते हैं, और सब समाज जो है, हर बिरादरी के लोग, और जिनके दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, बता रहे हैं कि यादव समाज उनके साथ में है, 99%, हम तो कहेंगे 100% यादव समाज माननीय राजा भैया जी के साथ है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी कई बार सपा यहां से प्रत्याशी उतार के देख चुकी है, जमानत जब्त हो जाती है, अगर यादव समाज उनके साथ होता तो उनकी जमानत जब्त होती, तो आप तो कवर कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, और अब की भी उनको पता चल जाएगा, 1.5 लाख जाएगा, बिल्कुल 1.5 लाख जाएगा और ऊपर भी जाएगा। जो ये अभी इन्होंने बताया कि जनसुनवाई, जनसुलभता, ये लोग समझ रहे हैं कुंडा और बाबागंज की जनता? बिल्कुल समझ रहे हैं, आप कवर करते हैं, आप 403 विधानसभा में जाते हैं, ये एक ऐसे पहले विधायक हैं जो लखनऊ से ज्यादा अपने घर बेती में रहते हैं, और जितने लोग यहाँ हैं, आप किसी से भी पूछिए, आराम से एकदम जनसुलभता से जाके माननीय राजा भैया से अपनी समस्या को बताते हैं, और वो सुख और दुख दोनों के साक्षी हैं, हमारे सुख में भी आते हैं, दुख में भी आते हैं, हर प्रकार की समस्या का हल है राजा भैया के पास। यही कारण है कि अब हर समाज का तबका जो है बेती पहुंच रहा है समर्थन देने, क्या यही वजह है? बिल्कुल वजह है, और आशीर्वाद देने जा रहा है, हर नेता जो है जाते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करवाते हैं, हमारे यहाँ समाज के जो अगुआ है वो लेके जाते हैं सबको, खुद आशीर्वाद देने जाते हैं, हर समाज के लोग जाते हैं, माननीय राजा भैया जी के साथ हैं, भरपूर सहयोग, 1.5 लाख पार है, बिल्कुल पूरा 1.5 लाख पार है। विपक्ष का क्या होगा? विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी, चार लाइन है उनके लिए कि कांटे गुल के साथ नहीं खेल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राजा भैया के साथ नहीं चल सकते हैं। कहीं ना कहीं युवा का साफ साफ कहना, कुछ और लोग हैं जी, मैं कहूंगा जी, जनसत्ता दल की स्थापना हुई 30 नवंबर 1918 को, तब से फिर ये पहला है चुनाव है, ठीक, विधानसभा का ये पहला चुनाव है, तो एक शब्द मैं कहूँगा, एक लाइन है दो, कि आगाज है रघुराज जी के सिंहनाद का, आगाज है रघुराज जी के सिंहनाद का, आकांक्षी हूँ मैं आप सभी के आशीर्वाद का, आपके आशीर्वाद से परचम पुनः लहराएंगे, 1.5 लाख पार राजा की विजय को सफल बनाएंगे, सफल बनाएंगे, सफल होगा भाई। हाँ भैया सफल है, सफल हो रहा, हाँ सफल, युवा साथ है, हाँ सब, हर वर्ग साथ है, हाँ भैया सब साथ है। भैया क्या लग रहा है कि कोई जो 1.5 लाख का आंकड़ा है, इसमें कोई कमी या फिर जो है पार होगा? जी 100% पार होगा, क्योंकि माननीय जगह जो स्वभाव, क्या नाम क्या है आपका? लोकेश पांडे। तो क्या लग रहा है कि हर समाज साथ है? जी जी पूरी तरह से साथ है, और जो मेरी मतलब पर्सनली राय है कि जिनका नाम ही पहचान है, कि जिनका नाम ही पहचान है, जिनको हम मतलब बोल दिया जाए कि हम, जैसे बोलते हैं ना कि हम कुंडा के हैं, तो कुंडा उनके नाम से जाना जाता है कि आप राजा भैया के गांव से, तो इतनी बड़ी मतलब शख्सियत है। और दूसरी बात यह है कि मानते हैं कि इस पहचान को आप लोग मिटने नहीं देंगे? जी जी नहीं मिटने देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम 30 सालों तक जो रिकॉर्ड अभी तक कायम है, अगर जनता उनको पसंद नहीं करती थी या कोई दिक्कत होती थी तो क्यों चुने जाते थे इतने सालों तक? अच्छा, जो एक ये आरोप लगता है बूथ कैप्चरिंग का, इसमें क्या सच्चाई है? सर ये तो हमने नजदीकी से देखा नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। जी बूथ कैप्चरिंग जो, जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम गोपाल ओझा है, अभी हम लोग बेंती कोठी राजा भैया के यहाँ गए थे। अच्छा। पूरा ब्राह्मण समाज गया था। अच्छा। बड़ा तगड़ा हुजूम था। अच्छा। हम लोगों की लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोगों को अपना 1.5 लाख पार करना है, और कुंडा बाबागंज से जनसत्ता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी।
जाएगी और जो दूसरे प्रत्याशी हैं इसका कोई वजूद नहीं है। जैसा कि हम लोग विधायक चुनने जा रहे हैं न कि ग्राम सभा का। जो बयान निकल के आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? कौन सा बयान? गुलशन यादव का जो स्टेटमेंट राजा भैया को लेकर निकल के आ रहा है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। वहीं का एक नौकर था, चपरासी था, और आज विधायकी राजा भैया खिलाफ लड़ने जा रहा है, तो ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा? डमी कैंडिडेट है, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होगी भाई? यस 100% होगी सर। हो रही है जी, जैसे जल सत्ता जय रघुराज। डेढ़ लाख के पार। अच्छा, जो बाहर हैं जैसे राजा भैया की जो छवि बाहुबली दबंग और एक तरीके से अलग मीडिया ने बनाया है, उन लोगों को क्या कहेंगे कि राजा भैया के कौन है, क्या है, कैसे? देखिए सर, पीठ पीछे तो तरह तरह की लोग बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे तो कोई बाहुबली है कोई क्या है, लेकिन फिलहाल जहां तक मेरा मानना है, कुंडा के लोग रघुराज को अपना मानते हैं, रघुराज उनके हैं और हमेशा रहेंगे। 1.5 लाख के पार रघुराज जी जा रहे हैं और हम सबका, हमारा ब्राह्मण समाज का, पूरे कुंडा समाज का पूरा उनके साथ में सहयोग है, फुल सहयोग है। भाजपा जो कैंडिडेट है उनको क्यों नहीं पसंद करते? जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ तो ब्राह्मण है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। जय जनसत्ता जय रघुराज, कुंडा का नाम राजा के नाम, राजा के नाम जय जनसत्ता जय रघुराज, बाकी कोई भाजपा के कैंडिडेट है ये। इसके पहले इनके पति जो है बसपा से चुनाव शिवप्रकाश सेनानी जी लड़ चुके हैं और इनका सब लोगों ने देख लिया है, बाद में दोबारा पलट कर कभी आते नहीं है। अच्छा, आते नहीं है क्यों भैया? बाकी विपक्षी नहीं आते, राजा भैया जमे रहते हैं। जी सर। हाँ। तो फिर से आ रहे हैं राजा भैया? पक्का आएंगे, 1.5 लाख पार ऊपर जाएंगे। विपक्षी कह रहे हम आ रहे हैं, हैं? विपक्षी कह रहे हम आ रहे हैं, देख लेना। हाँ। देख लेना, खड़ा हो जाएंगे। बाबागंज भी आए? अच्छा, बाबागंज कुछ कह रहे हैं कि फंसेगी बाबागंज, कुछ ऐसा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाबागंज भी निकल रही है। हाँ जी, काम बताइए कुछ की लग रहा हो कि नहीं, राजा भैया ने ये किया, राजा भैया तो ने कट गया, वो कोई नेता नहीं कर सकता यहाँ पर, नहीं कर सकता जी, पूरे प्रदेश में कोई क्या कर दिया, दो काम बता दीजिए। बहुत उन्होंने काम किया। हाँ, तो वोट होगा काम पे? वोट काम में नहीं, उनके विभाग में, उनके मोहब्बत में। अच्छा। हाँ, उनका प्यार मोहब्बत है, बच्चा बच्चा जानता है, कुंडा का बच्चा जानता है, सबके दिल में बच्चा है। लोग तो कहते हैं बाहुबली है, लोग तो कहते हैं बाहुबली है, बाहुबली कहते हैं, है किसके लिए है, किसके लिए हम जनता के लिए है। हाँ, वही काहे को मतलब निकल रहे हैं 1.5 लाख पार ऊपर जाएंगे जी, 1.5 लाख पार। आप भी आजिए भैया, इधर आजिए, आप इधर आजिए, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है उधर। क्या लग रहा है कि 1.5 लाख पार का जो आंकड़ा है वो जाएगा कि रुकेगा? राजा भैया मानिंद आदमी है और पूरे यूपी में सब लोग जानते हैं, हमारे आंकड़े से लग रहा है मतलब 1.5 लाख का मतलब 2 लाख पार हो जाए। 2 लाख पार। मुस्लिम समाज पूरा साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद शहजादे खान। मानते हैं कि राजा भैया का नाम कुंडा से है, कुंडा का नाम राजा भैया से है, तो लाना जरूरी है, लाना जरूरी है। बाहर जाते होंगे तो आप मानते हैं कुंडा का नाम? कुंडा का नाम हम रहते हैं कानपुर में, मगर राजा भैया के नाम से पूरा पूरा है, पूरा आ रहे हैं, आ रहे हैं पूरा। जी भैया, क्या लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी कैंडिडेट आने से राजा भैया की गाड़ी जो है फंसती नजर आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव तो यहाँ एक तरफा है, एक तरफा है। 1.5 लाख का जो नारा है उससे भी ज्यादा उम्मीद है कि ज्यादा आपकी लोग जागरूक हो गए, आपकी वोट ज्यादा निकलेंगे। हाँ। और जीत तो हमेशा राजा की पक्की थी, बस उसे आपकी बढ़ाने की जद्दोजहद है, ज्यादा से ज्यादा हो, रिकॉर्ड तोड़ने की। जी जी, बस रिकॉर्ड की लड़ाई है, बस जीत की लड़ाई नहीं है। टूटेगा? हाँ, वो रिकॉर्ड टूटेगा, अवश्य टूटेगा। लोग कहते हैं कि राजा भैया के जो है बाहुबली की जो छवि है, इसे आप कैसे देखते हैं मीडिया में जो बनी है कुंडा को लेकर? वो आप मीडिया की देन है, बाहुबली यहाँ तो कोई ऐसा न पड़ता, जनसुलभ है और हर तरह से लोगों को फैसिलिटी, रात 12 बजे भी कोई जाता है तो उसकी लिए राजा हाजिर रहते हैं, तो समाधान तो मीडिया की देना है कि बाहुबली बन गए हैं। बन गए जी। क्या लग रहा है भैया, बार बार ये 1.5 लाख का नारा निकल रहा है, तो कैसे पहुंचा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को, मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाई कि कम से कम कुंडा में आप लोग इतना एक्टिव हैं और कुंडा की न्यूज को प्रदेश और देश में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। 93 से माननीय मेरा पहले परिचय हो जाए, विनोद पटेल जिला पंचायत सदस्य और मीडिया प्रभारी जनसत्ता दल। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जनसत्ता दल के ही हैं? अच्छा, ठीक है। अब अपनी पार्टी के एक जनप्रतिनिधि पदाधिकारी होने के नाते अगर हमारा 93 से लेकर के अभी का रिकॉर्ड देखेंगे तो माननीय राजा भैया अपने रिकॉर्ड को स्वयं तोड़ते हैं और हमेशा
जो मार्जिन होती है बढ़ के होती है, परसेंटेज बढ़ के होती है, और हर साल माननीय राजा भैया से मिनिमम 50,000 से 1,00,000 लोग नए जुड़ते हैं कुंडा और बाबागंज विधानसभा। अच्छा, पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने भाई साहब को बुलाया नहीं, अपने आप जाते वक्त आ गए, नहीं तो ये होगा कि ये प्री प्लान था। यहाँ की जनता जो है, यहाँ के लोग अपने आप इकट्ठा हुए थे, तब जाके ये सर्वे हुआ, ये भाई साहब अभी अचानक आ गए। जी बताइए, तो जो 1,50,000 का आंकड़ा है वो पूरा पार हो गया? 1,50,000 का आंकड़ा, आप जो यहाँ पर लास्ट टाइम जो भाजपा से कैंडिडेट थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी गरिमा, पूरा सब कुछ लगाने के बाद में 32,000 वोट पाए थे। और आज जो किसी अन्यत्र पार्टियों से हैं, चाहे वो सपा से हो, भाजपा से हो, बसपा से हो, लोग यहाँ पार्टियां बदल करके भी आए हैं, खुद नहीं जीत पाए तो पत्नियों को लड़ा रहे हैं। और पूरी ताकत, लगता था कि माननीय राजा भैया को बहुत पीछे छोड़ देंगे, आज से जब 10-12 साल पहले वो चुनाव लड़ने आए थे, यहाँ पर लोगों के घर पे इतना बड़ा मजमा लगने लगा था कि लोग सोचने पे मजबूर होना शुरू हो गए थे, कहीं वास्तव में माननीय राजा भैया का सिंहासन डगमगा तो नहीं रहा है। आज उससे बढ़ करके लोगों का वो है, लेकिन 93 से ज़्यादा माननीय राजा भैया के प्रति हर साल, जो जैसा मैं बता रहा हूँ कि 50,000-1,00,000 लोग, नए लोग माननीय राजा भैया से जुड़ते हैं कुंडा और बाबागंज विधानसभा से, वो अपनी बागडोर स्वयं लेते हैं। माननीय राजा भैया एज ए गार्जियन लोगों को ट्रीट करते हैं, बाकी चुनाव यहाँ की जनता वास्तव में लड़ रही है। ये इतनी लोकप्रियता और इतना मिलाव, इतना जो, इसके पीछे का रीजन क्या है? राजा भैया ने क्या ऐसा क्या करते हैं जनता के लिए? पहली चीज जो अन्य विधायकों से अलग है, पहली चीज तो वो कभी विधायक के तरीके से कार्य नहीं करते हैं। हाँ, विधायक की जो निधि होती है बढ़िया से खर्चा करते हैं वो, अपने यहाँ कार्यकर्ताओं से और जो उनके वोटर हैं उनको एक परिवार के तरीके से लेकर के चलते हैं। उनके किसी भी प्रकार की समस्याएं होते हैं उनको आपस में बैठा करके समझाने का, उसका निस्तारण करने का काम करते हैं, जिसके कारण लोग ना चाहते हुए उनसे जुड़ते हुए चले आ रहे हैं। यानी कोर्ट कचहरी थानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता? निश्चित तौर पे टाइम बचता है, पैसा बचता है लोगों का, और एग्जर्शन से बचते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे झगड़े से लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले मामले होते हैं, आपसी समझौते से माननीय राजा भैया उसका निस्तारण करते हैं, जिसके कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी बातें जो है अब कुंडा और बाबागंज के बाहर के भी लोग समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जनसत्ता का विस्तार हुआ है, बाहर भी कई कैंडिडेट उतरे हैं, उनको क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अभी हमारी पार्टी ने 17 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें से हमारे प्रत्याशी समयाभाव के बावजूद बहुत अच्छे से हर जगह फाइट कर रहे हैं, और एक संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है, और आने वाले समय में 2027 में आज जिस तरीके की जो 32 साल की 97 की पार्टी रजिस्टर्ड हैं, उनसे बड़ा ग्राफ जनसत्ता दल का होने जा रहा है। विपक्ष पे क्या कहेंगे जो और तमाम लोग कैंडिडेट हैं? सिर्फ यही कहेंगे कि जो हस्र पीछे वालों का हुआ है उनसे बुरा हस्र होने वाला है। यस। तो ये कहीं ना कहीं कुंडा और बाबागंज की जनता है, कुछ और लोग हैं। जी क्या लग रहा है भैया, इस बार 1,50,000 का आंकड़ा पार हो रहा है तो काम के आधार पे होगा या नाम के आधार पे? नहीं, काम के आधार पे होगा। नाम के आधार पे तो बहुत नामचीन लोग लड़े हैं, लेकिन यहाँ काम हुआ है, काम हुआ है तो काम के आधार पे होगा। हाँ बिल्कुल, काम के आधार। लोग कह रहे हैं कि राजा भैया जो है इस बार जो 1,50,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के बाद ये पहुंचने वाला नहीं है? नहीं, हर बार लीड बढ़ती ही जा रही है माननीय जी की। हाँ, तो आप ग्राफ उठा के देख लीजिए। सपा वाले कह रहे हैं कि अब हम लड़ाए हैं तो नहीं बढ़ेगी ग्रीड? नहीं, ऐसा नहीं, हो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा ना कहाँ से काउंट कहाँ है धरातल पे। हवा में कोई नहीं है, नहीं, चारों तरफ भारी है, सब पे पड़ेगी भारी, सारी सब पे भारी। आ जा रहे बाबागंज और कुंडा दोनों जगह 10 मार्च को आप देखेंगे। चलिए कुछ और, परचम लहराएगा। काका जी क्या लग रहा है इस बार, बदलाव या फिर राजा भैया? राजा भैया फिर से राजा भैया। हाँ राजा भैया, मतलब फिर से? हाँ फिर से। 1,50,000 पार? हाँ 1,50,000 पार। हाँ क्या नाम दादा? राजा राम। जो अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे कि समस्याएं हल कर देते हैं, आप भी कभी समस्या लेके गए हैं? नहीं। समस्याएं हल करते हैं? हाँ हल कर देते हैं, सब समस्या हल कर देते हैं। हाँ। थाने नहीं पहुँच पाते आप लोग? चलिए जी, आप क्या लग रहा है इस बार आरी आएगी भैया? बिल्कुल, 1,50,000 पार है हमारे यहाँ। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1,50,000 विपक्ष वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं हम कुछ नहीं है, सब चले जाएंगे अपने घर वापस। सपा वाले आ गए हैं, सब चले जाएंगे वापस। राजा भैया टोटल हैं तो हैं आ रहे हैं टोटल। क्या नाम है? राम नारायण पटेल। इस बार आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से, फुल एकदम अपने दोनों सीट से। तो ये कहीं ना कहीं कुंडा बाबागंज की जनता युवा है। क्या लग रहा है, आप युवा है, किस तरीके से देखते हैं राजा भैया को?
अगर बात करें 1.5 लाख का जो नारा दिया जा रहा है इस पे। नहीं नहीं बिल्कुल 1.5 लाख का नारा जो है इस बार बिल्कुल सफल होगा। यहाँ पे कुंडा में जीत हार की लड़ाई नहीं होती, यहाँ पे केवल मार्जिन की लड़ाई होती है कि हमको अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है। मार्जिन की लड़ाई होती है। पिछली बार हम लोग 1,04,000 समथिंग वोट से जीते थे, इस बार हम लोग 1.5 लाख प्लस वोटर्स जीतेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिनव प्रताप सिंह है। इस बार जो है आंकड़े की लड़ाई है, यहाँ पे हमेशा मार्जिन की लड़ाई होती है कि यहाँ पे जीत हार नहीं, जीतना तो राजा भैया के बस। हम लोग ये होता है कि राजा भैया के हर गाँव में जो है कार्यकर्ता है बूथ लेवल पे, तो क्या लग रहा है कि वो जो है जो प्रेशर देके तो वोटिंग नहीं करवाते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा भैया कुंडा व बाबागंज की समस्त मतदाता को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए हर एक जनता हर एक व्यक्ति उनके लिए समर्पित है। कोई बूथ कैप्चिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब मीडिया का कराया धराया हुआ है। हाँ नहीं, विपक्ष आरोप लगाता है। विपक्ष तो काम है आरोप लगाना, जो हम जो हाँ जो सपा विपक्ष बने हैं वो कभी राजा भैया के खास हुआ करते, राजा भैया के दम पे आज बने हैं, नहीं कभी अपने दम पे एक चेयरमैन ही नहीं जीत सकते थे। आज जो विधायकी का ख्वाब देख रहे हैं, राजा भैया एक बैनर लगा के चेयरमैन ही जीतते थे, इस बार वो दूसरे बैनर लगाए हैं, इस बार औकात पता चल जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। यानी हारने के बाद जो है ये आरोप लगाए जाते हैं? वो तो प्रत्यारोप दो बार लगाना तो विपक्ष का काम होता है। 1.5 लाख पार हो रहा है? बिल्कुल 100% 1.5 लाख पार हो रहा है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोनों सीटें नहीं, हम तो कहने लहर भी होगी और ललकार भी होगी। बिन जनसत्ता दल के सूबे में सरकार नहीं होगी, सरकार नहीं होगी। तो ये कुंडा की जनता है, आप देख सकते हैं चौराहे पे काफी भीड़ हो गई है, और कहीं ना कहीं अपने आप में इन लोगों का साफ कहना है कि 1.5 लाख का जो आंकड़ा है वो इस बार पार होगा और रिकॉर्ड भी टूटेंगे, और लड़ाई केवल अपनों से है। आप देख सकते हैं चौराहे पे काफी लोगों की भीड़ भी है, कैमरामैन से कहें एक बार दिखा दें। अब आप अपने सुझाव देना ना भूले, 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और राजा भैया को लेकर आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही।